सो गाइस, माय नेम इज श्रेय एंड यू आर वाचिंग द टेक्निकल वे। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि हम लोग सेकंड हैंड लैपटॉप ले लेते हैं, तो होता है ऐसा कि हमें मालूम नहीं होता कि हमारे लैपटॉप में कॉन्फ़िगरेशन क्या है और हमारा लैपटॉप कितना पुराना है, क्या रैम है, समथिंग कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जो कि हमें मालूम नहीं होते। तो विंडोज़ हमें कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो लैपटॉप परचेस कर रहे हैं, सेकंड हैंड लैपटॉप परचेस कर रहे हैं, वो कितना पुराना है। लोग नॉर्मली क्या, दुकानदार तो हमें बोल ही देता है कि भाई ज्यादा नहीं, 6 महीना 1 साल पुराना है, लेकिन लैपटॉप होते हैं कि बहुत साल पुराने होते हैं, तो हमें वो मालूम नहीं होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हमें रिफर्बिश लैपटॉप दे दिए जाते हैं और बोलते हैं कि भाई जो उसके अंदर के पार्ट्स होते हैं वो नए पार्ट डालें। तो आज वही चीजों को हम अपने लैपटॉप पे चेक करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे विंडोज में आ जाएंगे, टाइप हियर टू सर्च, एंड फर्स्ट यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, सर्च करेंगे पीसी हेल्थ चेक। ये आया यहाँ पे, एंटर, और एंटर करते ये देखिए यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आया, पीसी हेल्थ एंड एट अ ग्लैंस। तो यहाँ पे क्या, 8 GB रैम, देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या दिखा रहा है, मेरा डेस्कटॉप है और यहाँ पे दिखा रहा है 8 GB रैम, 256 GB SSD, और मेरा मतलब जो है ये 4 साल पुराना है लैपटॉप। तो मैंने इसको परचेज किया था एज अ रिफर्बिश्ड, तो मुझे पड़ा है कुछ 4 साल पुराना लैपटॉप मिला है मेरे को, लेकिन कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो मैं इसमें मतलब कुछ वैसा मेरे को है प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसा मतलब कहीं परचेस करना सेकंड हैंड पीसी लैपटॉप, तो वो चेक कर सकते हैं इजिली। और दूसरा क्या कि यहाँ पे एक अबाउट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। अबाउट पे क्लिक करते हैं, और नहीं अबाउट पे नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे होएगा एक चेक किधर होएगा, किधर होएगा, अरे नहीं, और उसका बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ, यहाँ पे अपना बैटरी मिल जाएगा, स्टोरेज मिल जाएगा, स्टार्टअप टाइम मिल जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। और जो मैं बताने की बात कर रहा था वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपको यहाँ पे इस पे और इस पे, और यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाओगे ना, यहाँ से इस पीसी का, तो यहाँ से आपको बाकी का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे यहाँ प्रोसेसर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया वगैरह वगैरह। बस आज के लिए इतना ही है।